गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में समाज सेवियों के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर केंद्रित इस सम्मेलन में देश भर से आए समाज सेवियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की संयुक्त सचिव मोनाली धकाते ने अपने प्रेरणादायक विचार साझा करते हुए कहा कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण से ही सच्चे सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी जा सकती है, क्योंकि आध्यात्मिकता के माध्यम से मनुष्य अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है। जब हम बच्चों को जो एकदम सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, जब ये सेवा भाव, प्रेम, सिंप्लिसिटी उनको सिखाएंगे थ्रू एजुकेशन या अपने घर से, तब एम्पावरमेंट स्टार्ट्स, दैट इज स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, और वो लाइफ लॉन्ग रहता है। हम अपने माँ बाप के चरण छूते हैं, बच्चे देखते हैं, बच्चे उसका अनुसरण करेंगे और फिर वो आगे बढ़ाएंगे। दैट इज द पहली सीढ़ी, द फर्स्ट स्टेप दैट वी स्टार्ट, एंड आई थिंक वो जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो उस समाज को, परिवार को या विश्व समुदाय को इकट्ठा लाने का काम जो ब्रह्म कुमारीज कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट दैट। फरीदाबाद के रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर विपिन चंदा ने आध्यात्मिक जागृति को सामाजिक बदलाव का मूल आधार बताया और ORC की निदेशिका बी के आशा दीदी ने सेवा और आत्म सशक्तिकरण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज का उद्देश्य एक ऐसा समाज स्थापित करना है जहां कोई दुख या अशांति ना हो, और यह राज्यों के माध्यम से ही संभव है। रोटरी जो है एक बहुत बड़ा संगठन है जिसके अंदर हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, मेरी तरह और मेरे से बहुत ऊपर तरह तबके के लोग भी जुड़े हुए हैं, और वो समाज में हर तरह का काम करते हैं। हॉस्पिटल्स हैं हमारे रोटरी के, गुड़गांव में स्कूल्स हैं, आई कैंप है, और सबसे बड़ा रोटरी का नाम जो है वो पोलियो के लिए मशहूर है। पूरे संसार के अंदर जो पोलियो ख़त्म किया है वो रोटरी की वजह से ही ख़त्म हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इस बात पर विश्वास रखता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, इन सब चीजों के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं ऑलरेडी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी जड़ में काम करे, आत्म उन्नति पर ध्यान दे, विल पावर को क्रिएट करें, मनुष्य को अपने पांव पर खड़े रहना सिखाए, यह कार्य आध्यात्मिकता की शक्ति के द्वारा ये ईश्वरी विश्वविद्यालय पिछले 86 वर्षों से लगातार कर रहा है। और हमारे पास ऐसे कई मिसाल हैं, कई उदाहरण हैं, जहां व्यक्ति ने अपने आप को परिवर्तित करके न केवल स्वयं का कल्याण किया है, परंतु अन्य का कल्याण करने के निमित्त भी बने। वही अजमेर से आई बीके शांता दीदी ने दुख के पीछे कर्मों की भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा, कर्म सुधार ही व्यक्ति और समाज को सुखी बना सकता है। अपने पुराने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए हमें याद रखना है कि द्वापर कलयुग में जो हमने जीवन जन्म लिए, उसमें हमने अपने विकारों के वशीभूत होकर के जो हमने एक दूसरे के साथ कर्म किए हुए हैं, वो अब जब चुकतू होने को आते हैं तो हमें बड़े प्यार से, प्रेम से चुकतू करना है, और उस आत्मा के लिए भी हमें शुभ भावना रखनी है। सम्मेलन के दौरान बीके चांद द्वारा एक विशेष गीत प्रस्तुत किया गया, जिसने उपस्थित लोगों को प्रभु स्मृति में डुबो दिया। तो वहीं 3 दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमित कुमार घोष और मुंबई से आए मोटिवेशन स्पीकर बीके स्वामीनाथन भाई भी प्रमुख तौर पर शामिल हुए, और विशेषकर नशा मुक्ति अभियान में ब्रह्मा कुमारीज की भागीदारी को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही।
गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित कंट्री इन होटल के दरबार हॉल में ब्रह्मा कुमारीज वसुंधरा बी के पाठशाला द्वारा समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद अतुल गर्ग ने कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोगी बी के सूरज भाई जी का स्वागत किया। बीके सूरज भाई जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण ही मनुष्य के जीवन से सुख शांति और गुण समाप्त हो रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान ही आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन और आत्मशक्ति को विकसित करता है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील शर्मा, भाजपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्व पार्षद राजेंद्र त्यागी, कंट्री इन होटल के एमडी प्रदीप जैन, कवि नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश दीदी, दिल्ली जोन की मीडिया कोऑर्डिनेटर बीके सुनीता दीदी, सीनियर राजयोग टीचर बीके गीता बहन, ओआरसी से राजयोग शिक्षिका बीके ईशु बहन, वसुंधरा बीके पाठशाला संचालिका बीके रंजना दीदी समेत कई शहर के प्रमुख व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसी के साथ एक विशेष टॉक का भी आयोजन किया गया, जिसमें बीके ईशु बहन ने दर्शकों द्वारा पूछे गए सभी सवालों के सूरज भाई जी द्वारा जवाब दिए गए और उन्हें ध्यान के माध्यम से ईश्वरीय उपचार प्रदान किए ताकि वे अपने घर पर आसानी से अभ्यास करें और खुश और स्वस्थ रहें। इस सफल कार्यक्रम में हजार से अधिक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और अरवाचीन स्कूल के बच्चों ने गणेश वंदना नृत्य प्रस्तुत किया, तो वहीं कुमार मंगलम बिरला स्कूल के बच्चों द्वारा मधुर गायन की प्रस्तुति भी दी गई। चलिए अब जल्दी से डालते हैं कुछ और खबरों पर एक नजर। विश्व शांति दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज हरियाणा अंबाला कैंट दयालबाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बीके शैलजा दीदी ने शांति का अर्थ समझाते हुए कहा कि आत्मा का स्वभाव शांति है। राज्यों के अभ्यास से मन को स्थिर और सकारात्मक बनाया जा सकता है। अंबाला सब जोन प्रभारी बीके आशा दीदी ने शांति लाने का आह्वान भी किया। अंत में सभी बीके भाई बहनों ने प्रकृति, पशु, पक्षी व विश्व की हर मनुष्य आत्मा के लिए संगठित रूप से राज्यों मेडिटेशन किया, साथ ही वातावरण की शुद्धि के लिए ओम ध्वनि का उच्चारण भी किया। तमिलनाडु सलेम के गुड शेफर्ड कॉन्वेंट और शांति समाज के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। सभी धर्मों के मुख्य आमंत्रित अतिथियों ने सलेम नगर निगम कार्यालय के पास ध्वजारोहण किया। इसके बाद शक्ति कैलाश महिला कॉलेज की 100 से अधिक छात्राओं के साथ शांति रैली निकाली गई, जो YMCA कार्यालय पर समाप्त हुई। बीके महेश्वरी बहन ने शांति के महत्व पर विशेष संबोधन दिया। मुख्य अतिथि ACP श्रीमती हरी शंकारी रही। उन्होंने सभी अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन कर शांति स्थापन करने की बात कही। MP गाडरवारा सेवा केंद्र ने विश्व बेटी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर की उच्च पदस्थ महिलाएं जैसे स्तुति सोनी और अंजू बहन रहे। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें कुमारी चंचल ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। इसके अलावा अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास की कन्याओं ने बाल विवाह कानून अपराध पर नाटिका प्रस्तुत की। उर्मिला दीदी ने बेटियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन ईश्वरी सौगात और प्रभु प्रसाद देकर हुआ। MP ग्वालियर क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें नशा मुक्ति केंद्र, श्रमोदय स्कूल और विभिन्न गांवों में जागरूकता फैलाई गई। मुख्य वक्ता गिनीज बुक होल्डर बीके आशीष भाई ने अपनी प्रेरणादायक कहानी साझा की और बताया कि 20 वर्षों से वे नशा मुक्त हैं। उन्होंने आत्मशक्ति जागृत करने पर जोर दिया। बीके श्याम भाई ने भी व्यसन मुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। अभियान में बीके ज्योति बहन ने राज्यों का अभ्यास कराया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने नशा मुक्त जीवन का संकल्प लिया। भोपाल सेवा केंद्र द्वारा चलाए जा रहे प्रशासक प्रभाग सेवा अभियान, जिसका विषय आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज के निर्माण में प्रशासकों की भूमिका के तहत विशेष सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ 11 सितंबर को भोपाल से हुआ और 5 अक्टूबर को सिंगरौली तक किया जाएगा।
इस अभियान का आगाज 20 सितंबर को बिजावर में हुआ। बिजावर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रीति दीदी ने सभी का स्वागत किया। इसके बाद सब जेल बिजावर में जेलर मुकेश मांझी ने सभी का शॉल और नारियल से स्वागत किया। बीके लीला दीदी ने बंदी भाइयों को स्व अनुशासन का पाठ पढ़ाया, जबकि बीके मोनिका बहन ने राज्यों का अभ्यास कराया। नगर पालिका परिषद में CMO संतोष सिंह ने सभी का स्वागत किया और बीके बहनों का आभार व्यक्त किया। शासकीय मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल संगीता पाठक सहित स्टाफ ने कार्यक्रम की सराहना की। जनपद पंचायत में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी को टेंशन फ्री रहने के फॉर्मूले बताए गए। अंत में कन्या छात्रावास में स्वच्छ समाज पर चर्चा की गई। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।